इस मुकदमे को हमारे देश के पंजाब में भी समझ नहीं पा रहे हैं। एक कानून जो लाए है, एक किस बात के लाए है, जो पांच पांच का आंदोलन खड़ा हुआ है, तो आंदोलन के बारे में मोदी सरकार से पूछना चाहिए। हमारे कहाँ है हमारे नौकरियां, महंगाई बनी हुई है, देश में बेरोजगार नौकरी के नाम पर दम तोड़ दे रहा है। आज गरीब लोग विचारधारा के नाम पर जहाँ के वहाँ खड़े हुए, कोई विकास नहीं हुआ है। हम कहना चाहते हैं कि हमें विकास चाहिए। जो एनएससी के बारे में हमारे जाने बाग से तो यूनी से लेकर और जो ये जाने है, ये हमारा इंडिया है। इंडिया से हमें जो आंदोलन होता है वो गली तक दिल्ली तक आता है, दिल्ली से गली तक आता है, उसमें हमारा आंदोलन जारी रहता है। और आज बात को लेकर हमारे जलगांव के जो मुस्लिम भाई है, जो बड़े तादाद के अंदर में यहाँ आकर रोजाना धरना दे रहे हैं, और ये बात को हमारा सरकार समझ नहीं पा रहा है। ये बात को समझे कि वो लोग रोज आकर क्यों आ रहे हैं, ये बात को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जब वोटिंग मांगने वक्त आ जाता है तो एक मत के लिए घर घर जाके अपने नेता लोगों से मिलते हैं और अपने से विनती करते हैं, बोलते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। लेकिन आज लोग इतने तादाद के अंदर बैठे हैं, उनके मिलने कोई नहीं आ रहा है। क्या उनको पब्लिक जाने से डर लगता है मरने का? कोई उसको गोली मार देगा? अगर ये पब्लिक, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर में कानून की बात रखने का सबको अधिकार है। जो सरकार की मदद से, पुलिस की मदद से हमारी आंदोलनकारों की आवाज दबा देना चाहते हैं सरकार, ये हम हो नहीं देंगे। हमारी आवाज को बाहर के रखेंगे। नागरिकता के नाम पर सामाजिक आंदोलन को मिटा देना चाहती है सरकार, ये सामाजिक एकता को धोखा है। हम एक बात कहना चाहते हैं, सच बोलूंगा, डर से झूठ नहीं बोलूंगा, डर से झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा, डर से झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे शरीर में लहू दौड़ता है इनाम का। हम संसारों से बने हुए हैं, ये देश का मोदी सरकार का एनसीएबी और एनसीए, ये दो कानून का फैसला है, ये दोनों अलग अलग है, एक दूसरे का कोई रिश्ता नहीं है। और सरकार ये कानून को हमारे देश की जनता स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि ये बात को सरकार ने अपने बात पर आई हुई है। बात को समझ लेना चाहिए कि जब देश की 75% इस देश के खिलाफ जारी है तो वो कानून को कोई मत जाता नहीं है। संख्या के बल के ऊपर में कानून को मंजूर कर लेना और मुसलमानों के लिए भाषण कर लेना और उनको दर्शन की ठोकर लगाने के लिए बता देना, उनका काम मंदिर के लिए छोड़ देना, ये सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा जरूरी आंदोलन है। ये आंदोलन को लेकर सरकार को हमारी बात सुनना पड़ेगी। सरकार हमारी बात सुने, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। सरकार का पैसा के विरोध में सारी जनता चली गई हुई है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी बात को समझे और अनशन का निपटारा करें। हैनात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलना से जमाने को साथ साथ ले। मुस्लिम मंच के जो शरारत है, जो सरपस्ती है, उन्होंने लिखा है कि हमारा नागरिकता कानून धर्म के आधार पर नहीं चलता। बहुत सही लिखा है। मैं दाद देना चाहता हूँ अपना सरपस्ती साहब को कि इस प्रोग्राम का आयोजन करके या जन जागृति करके देश की अपनी आवाज सरकार तक पहुँचे, ये हमारी मांग है। क्यों नहीं हमारी आवाज सरकार तक पहुँच रही है, हमारी आवाज सरकार तक पहुँचे, ये हमारी मांग है। आज हम देख रहे हैं कि हमारा मसला कश्मीर के 370 को लेकर हो, महिलाओं का 3 तलाक को लेकर हो, एनसीसी सीओए और एनसीआर के बारे में हो, हमारा आवाज सरकार तक पहुंच रही है, लेकिन सरकार हमारी बात को नहीं सुन पा रहा है। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे बात जल्दी सुनकर हमारा आंदोलन के बारे में फैसला करके काला कानून वापस ले। जय हिंद, जय भारत। श्याम सालुंके, जनाब श्याम सालुंके, जनाब श्याम सालुंके, पाल मिली।